हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी छत पे हूँ। देखिए यहाँ आस पास में कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, है ना? पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पर देखिए फ्रेंड्स, इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ रही है ना कि देखिए एक भी पत्ता आपको हिलते हुए नज़र नहीं आएगा। और पसीना देखिए, मतलब कि छत पे खड़े हैं फिर भी पसीने से भीगे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप लोग कितनी गर्मी है, बाप रे, मत पूछिए, बहुत गर्मी है। इसी गर्मी के कारण ना हम लोग थोड़ा सा और गांव में रुक गए हैं, क्योंकि गांव में तो ये है कि थोड़ा सा खुला हुआ वातावरण भी मिल रहा है हमें, और शहर में तो ये भी नहीं। शहर में तो कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं है, कहीं कोई मतलब कि इस तरह की ठंडी हवा वातावरण कुछ भी नहीं है। तो जब गांव में ये हाल है गर्मी से, तो शहर में क्या होगी, आप लोग सोच सकते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सोचे कि कुछ दिन और रह लेते हैं तो हम लोग कुछ दिन और रह लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें गांव में आकर क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ ये हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो में, और बीच से तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को एकदम। देखिए मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखाती हूँ। मेरा गांव जो है ना, मेरा ससुराल बहुत अच्छे जगह पे है, मतलब बहुत अच्छा गांव भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे पेड़ पौधे देखकर आप लोग को शायद लग रहा होगा कि मोनिका जी जंगल में तो नहीं रह रही तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा गांव भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे रोज़ कुछ न कुछ मतलब भक्ति भजन, मतलब कि कुछ न कुछ पूजा पाठ होते रहता है। ये बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है, बहुत जगह पे बहुत मंदिर है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगी। यहीं पास में है जो लगनवा धाम के नाम से जाने जाते हैं, पास में ही है। मतलब इस गांव में बहुत जगह पे बहुत मंदिर है, बहुत पूजा पाठ होता है इस गांव में। तो मैं वहां कभी जाऊंगी तो आप लोग को वहां पे मतलब कि वीडियो ज़रूर शूट करूंगी, और आप लोग को दिखाऊंगी भी कि कितना अच्छा यहां पे मंदिर सब है, कितना अच्छा लगता है यहां पे। तो देखिए मैं यहां की आसपास की लोकेशन दिखाती हूँ। देखिए इधर इधर साइड में तो पेड़ पौधे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा, जब हवा आती है तो प्राकृतिक हवा हमें पेड़ पौधे से ही तो मिलते हैं ना, तो पेड़ पौधे तो होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो सो यहाँ पे है पेड़ पौधे। और इधर देखिए, इधर हमारे इस साइड घर है, ये हमारे छोटे चाचा जी का घर है। और आपको दिखाती हूँ और भी। देखिए फ्रेंड्स, ये है स्कूल, यहाँ का गांव का स्कूल है, ये देख पा रहे हैं आप, ये स्कूल है। और भी है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ससुराल में हूँ ना। ये रोड है, देख पा रहे हैं, ये रोड है, बच्चे हैं, और आगे भी रोड है वहाँ पे, और इस साइड भी रोड है। देखिए ये जो रोड है ना, ये मेन रोड है, यहाँ पे बस गाड़ी चलती हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी रोड है। और ये स्कूल देखिए, देखें ये स्कूल है। इधर से मतलब कि पेड़ पौधे के थोड़ा सा वो है, तो हम इस साइड का नहीं दिखा पाएंगे। और देखिए इधर ये देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये आम कितने लगे हुए हैं, कितने आम हैं ना, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आम देखिए कितने लगे हुए हैं ना। ये मेरे छोटे चाचा जी का है। और इधर देखिए, इस पेड़ में भी आम है। देख पा रहे हैं, और वो देखिए, वो उधर घर है, फिर इधर घर है। मतलब क्या है ना,
पेड़ पौधे को सभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सब मतलब महत्व देते हैं, इसलिए हर जगह आपको इधर पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे। और देखिए इधर देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई देगी। देखिए दे रही है ना ट्रेन की आवाज़ सुनाई। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इसके बाद स्टेशन है, तो हम लोग का घर बिल्कुल बीचों बीच है। एक साइड से स्टेशन है जो ट्रेन की सुविधा है, और एक साइड से बस की सुविधा है। तो हम लोग का घर बहुत ही एकदम परफेक्ट जगह पे बनना है, मतलब कि हम लोग का ससुराल हम लोग का ससुराल बहुत परफेक्ट जगह पे है कोई टेंशन नहीं है। अगर दूर जाना हो तो ट्रेन से जा सकते हैं, नज़दीक जाना हो तो बस से जा सकते हैं। वैसे बस से मुझे बहुत एलर्जी है, मुझे ना बस में उल्टी आती है, तो इसलिए मैं बस से कहीं सफ़र नहीं करना चाहती, मैं ट्रेन से ही जाती हूँ। अगर नज़दीक हो तो ऑटो से जाती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिजली का पॉइंट हमारे छत पर भी है, मतलब कि लाइट छत पे भी दो लाइट लगी हुई है, और ये चार्जेबल पॉइंट भी है। यहाँ पे हम स्टैंड फैन का भी यूज कर सकते हैं छत पे, और फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं तो है ना अच्छा आइडिया। तो फ्रेंड्स, अब गांव में आकर हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें क्या क्या देखने को, खाने पीने को मिला। तो फ्रेंड्स क्या है ना, शहर में साग सब्जी जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, फ्रूट में भी मिलावट होती है, और गांव का हर चीज़ वातावरण मतलब हवा से लेकर खान पान हर चीज़ शुद्ध होता है गांव का। तो हमें यही बेनिफिट मिला, देखिए कि जैसे कि हमारे पेड़ में मतलब दरवाजे पे लीची का पेड़ लगा हुआ है, तो हम लोग खूब लीची खाएँ, इस बार खूब लीची खाएँ। देखिए ये है लीची का पेड़, देख पा रहे हैं आप, है ना ये। और फिर आम, आज हमारे घर आम भी आया है टूट के पेड़ से, बहुत ज़्यादा तो नहीं था बट जो भी था, अपना चीज़ घर का ही होता है, मार्केट का ही होता है, आप समझ सकते हैं। तो जो भी है सो बहुत अच्छा लगा, आज हम कच्चे आम भी खाए हैं बहुत जवाने के बाद, बहुत अच्छा लगा था। और लीची है, आम है, तरकोन है, हम सब आपको दिखाएंगे। और क्या बोलते हैं, हमारे घर में खुद मतलब साग सब्जी सब है खुद का अपना, तो सब मतलब कि यहाँ गृह प्रवेश में हम आए थे, तो गृह प्रवेश में हमारी मम्मी जी की मतलब बहन है जो आई हुई थी, मतलब कि हमारी मौसी सासू माँ, तो मौसी सासू माँ आई थी, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ, फर्स्ट बार हम लोग उनसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो 10 दिन यहाँ पे रुकी थी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी भी हैं, मतलब मेरा पिछला वीडियो में मैं उनके साथ बनाई हूँ, वीडियो शूट की हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बात भी बहुत अच्छी से करती हैं। तो ये सब उनसे मिलने का मतलब कि हमें सौभाग्य मिला गांव आकर, तो गांव आने का यही बेनिफिट है। हम लोग पूजा पे साथ में बैठे थे हम दोनों पति पत्नी, बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब कि समझिए, तो बहुत अच्छा, ये सब शहर में कहाँ से मिलता, गांव आने का यही बड़ा बेनिफिट है। हम यहाँ पे गांव में खुद चूल्हे पे खाना बनाते हैं, और चूल्हे का खाना मतलब मिट्टी के चूल्हे पे जो हम खाना बनाते हैं जलावन से, वो बहुत ही मतलब कि अच्छा होता है। गैस के खाने से, गैस पे जो हम स्टोव पे जो खाना बनाते हैं उससे बहुत अच्छा होता है चूल्हे पे खाना बनाना, वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत शरीर के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो हम लोग यहाँ पे रात के टाइम में तो कम खाना रहता है, तो हम लोग गैस स्टोव पे बना लेते हैं, और दिन के टाइम में हम लोग चूल्हा पे बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें चूल्हा पे खाना बनाना, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद होता है। तो यही सब बेनिफिट है, फ़ायदे हैं घर गांव आने का, गांव में रहने का, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमें शहर जाना पड़ता है। हम लोग शहर में रहते हैं बच्चों के वजह से, ताकि बच्चे हमारे कुछ पढ़ ले,
और इसके बाद फिर तो गांव में रहना ही है। घर हैं तो रहेंगे ही, घर के जैसा कुछ नहीं होता, वो तो आपको पता ही है। देखिए फ्रेंड्स, इस बोरी में क्या है, इस बोरी में आम है। आज आम टूट के आया है ना पेड़ से, वही देखिए इस बोरी में आम है, देख रहे हैं। मम्मी जी बोल रही थी, जानते ही हैं आप लोग, जानते होंगे कि दादी और बाबा को बच्चों में, पोते पोती में कितना प्राण बसता है, कितने मतलब कि प्यार रहता है। तो मेरी मम्मी जी बोल रही थी कि आम पेड़ से तोड़ के ला देता, बच्चे जितने दिन हैं कुछ खा लेते, तो इसीलिए आज टूट के आया है ये एक बोरी आम। तो इसमें से कुछ आम को तो खटमिट्ठी बना दिए हैं। खटमिट्ठी होता है जो सालों साल तक जो चलता है, वो वाला खटमिट्ठी बनाई है हमारी मम्मी जी। और ये आम, इसको पकाया जाएगा और इसके बाद फिर खाएंगे। देखिए ये भी गए थे लेने तोड़ने, आम गए थे ना आम तोड़ने। हाँ। मज़ा आया। हाँ। हाँ। पेड़ पे भी चढ़े थे, पेड़ पे भी चढ़े थे। देखिए यहाँ धूप में खेल खेल के एकदम से कल्लू हो गया, कल्लू। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना आम इसमें, ये कृष्ण भोग आम है। देखिए कच्चा है अभी, आज ही टूट के आया है। कृष्ण भोग आम है, बहुत ही मतलब कि मीठा होता है और दूर से ही स्मेल इसका बहुत अच्छा, सुगंध है बहुत अच्छा, स्मेल आता है इसका। तो हम तो खाए भी थे आज कच्चा आम, बहुत जवाने के बाद आज हम कच्चा आम खाए, बहुत ही अच्छा लगा। ये सारे आम को पकाया जाएगा, इसके बाद फिर दो तीन दिन टाइम लगेगा, 3 दिन बाद फिर हम लोग खाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 दिन बाद पक के रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग खा पी के फिर चले जाएंगे वापस पटना। हम लोग अभी 5 दिन, 4-5 दिन है यहाँ पे, 5 दिन बाद हम लोग चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।